हाई एंड वेलकम टू वर्चुअल मास्टर क्लास बाय टेस्ट ऑफ अमेरिका एंड USDA। मैं हूं शेफ संजीव कपूर और एक जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो केरला में बड़ी फेमस है। मतलब हम लोग, मुझे याद है कुछ महीने पहले वी आर फिल्मिंग पेपर के लिए हम गए और पेपर की स्टोरी हम फिल्म कर रहे थे और वहाँ पर हमने देखा कि एक रेस्टोरेंट में डक जो है वो सर्व हो रहा था। अब हम मुंबई रहते हैं, मुंबई में इतनी आसानी से डक मिला नहीं। फिर हमें पता चला कि नहीं, USA से हमारे यहाँ पे अब डक आने लग गया है, तो मैंने वो मंगवाया। तो वहाँ की यादें ताज़ा कर रहा हूँ केरला की। जो जो इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, थोड़ा सा डक पेपर फ्राई तैयार करेंगे। एंड व्हाई डक? बिकॉज डक इज़ अ हेल्दी मीट, इट्स लीन मीट, और इसके अंदर जो हेल्दी अगर पार्ट देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन तो हाई होता ही होता है, उसके साथ साथ इसमें सेलेनियम काफ़ी मात्रा में होता है, आयरन बहुत मात्रा में होता है, एंड एज यू नो दैट बोथ दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी गुड फॉर यू। और बिकॉज ऑफ दैट मैं कहूँगा कि इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल भी होता है दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड। तो आई हैव गॉट डक मीट हेयर और उसमें से मुझे स्किन नहीं चाहिए, तो मैं ये स्किन जो है ये निकाल रहा हूँ और उसके साथ में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कुक दिस। ये जो बिकॉज इट्स हाई इन आयरन सो इट्स कंसिडर्ड रेड मीट, बट रेड मीट नॉट ऑलवेज मीन्स कि नहीं 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 खाना है, इट्स हेल्दी लीन मीट, तो इसको हम बनाएंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसको मैं काट के, इसके ज़रा छोटे पीसेस काट के वी विल प्रेशर कुक दिस। अच्छा, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन क्वालिटी जो है वो आप यू कैन कंपेयर इट विद चिकन या टर्की ब्रेस्ट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ लो इन कार्ब्स सो वेरी हेल्दी मीट। अच्छा, इसको दो तरीके से पकाया जा सकता है, आइदर यू कैन कुक इट ऑन वेरी स्लो हीट और यू कैन प्रेशर कुक इट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू प्रेशर कुक दिस, एंड फॉर प्रेशर कुकिंग मैं इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ इस प्रेशर कुकर में, बहुत थोड़ा सा तेल, और उसके साथ साथ ये जो ब्रेस्ट मीट है वो इसके अंदर, and I'm going to add salt और इसके साथ में मैं इसमें डालने वाला हूँ पानी। लवली, ये प्रेशर कुकर, इसको कर दिया बंद। प्रेशर कुकर में इसको डाल दिया है, 4 से 5 सीटी इसमें बजने देते हैं, इट टेक्स टाइम, तो अब तक और बाकी काम करते हैं। इसमें इंडियन स्पाइसेस देते हैं, भाई डक US से आई तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो टेस्ट है वो पूरा इंडियन टेस्ट देते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ये मेरे पास में पेपर जो केरला से लेके आया हूँ मैं, बड़ा ज़बरदस्त पेपर है, तो ये दोनों का मिलन कैसे होता है, पेपर एंड डक का मिलन, वो देखते हैं। तो आपने देखा कि पेपर जो है वो क्या कमाल की चीज़ है ना, तो उसी से शुरुआत करते हैं। ये पेपर मेरे पास, इसके साथ साथ इसमें धनिया, होल धनिया, थोड़ा सा इलायची का टेस्ट, थोड़ा सा लौंग, एक काली इलायची, दालचीनी एंड फूल चक्री, बट नॉट सो मच, सो थोड़ा सा बस इतना, और इन सब चीज़ों को भून लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ड्राई रोस्ट कर ली हमने, एंड इसको मैं पीसूंगा, ये
और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा लाल मिर्च भी डालते हैं। ज़्यादा तीखा चाहिए तो और काली मिर्च, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालें। ये डालने के बाद में इसको पीस लेते हैं। ये लीजिए, इधर हमारा ये मसाला तैयार, उधर जो है डक प्रेशर कुक हो रही है। अब ये जो डक है इसको पकाने के लिए ये पैन ले लेते हैं हम। अच्छा, केरला में कोकोनट ऑयल का बहुत इस्तेमाल होता है। यू कैन कुक दिस इन कोकोनट ऑयल और यू कैन कुक इट इन एनी वेजिटेबल ऑयल। सो आई एम यूजिंग वेजिटेबल ऑयल हियर, बट वी विल गिव इट कोकोनट फ्लेवर ऑल्सो। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। सो ये मेरे पास में है शाही जीरा, कैरवे सीड्स, हल्का सा फूटने शुरू हो गए। इसके साथ में करी लीव्स और इसके साथ साथ इसमें ये प्याज। थोड़ा सा मिर्च भी डालते हैं इसके अंदर, बस ज्यादा नहीं। ये जो डक मीट है इसके अंदर ये पूरी तरह से पक गया होगा। खैर, मैंने पहले से और पका के रखा हुआ है। ये जो डक मीट है ये पूरी तरह से प्रेशर कुक किया हुआ है। लुक एट दिस, इट्स फुली कुक्ड। और यहाँ पे प्याज जो है हल्के से लाल हो चुके हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, ये मेरे पास हैं कोकोनट, सो कोकोनट, ड्राइड कोकोनट, थिनली स्लाइस्ड। मैंने कहा कोकोनट का फ्लेवर देंगे, कोकोनट का टेस्ट देंगे, तो ये कोकोनट। उसके साथ साथ थोड़ा अदरक लहसुन का भी टेस्ट देते हैं। ये मेरे पास ये आ गई डक। अब ये असली चीज, और ये असली चीज है ये मसाला, पेपर, चिली, धनिया और गरम मसाले। फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है, और इसके साथ साथ इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट टू टेस्ट। करीब एक टीस्पून नमक डाला है मैंने इसके अंदर, और अब इसको हमने टेस्टी भी बना दिया है। पेपर के साथ में करी लीफ का फ्लेवर, अनियन की स्वीटनेस, कोकोनट की नटीनेस, तो ये जो है क्या मज़ेदार लग रहा है ये। एंड आई एम श्योर जब ये डक यूएस में थी तब उसने सोचा नहीं था कि ऐसा फ्लेवर इसमें आएगा, ऐसा टेस्ट इसके अंदर आएगा। इट्स नाइस, हेल्दी, टेस्टी, स्पाइसी, माउथ वाटरिंग। एंड देखिए, कोई भी जो चीज़ है जब तक उसे चखा नहीं जाए ना तब तक पता नहीं चलता। सो लेट्स ट्राई वन पीस। स्मेल्स वेरी नाइस, कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, स्पाइसी होल राउंडेड फ्लेवर, बट थोड़ा शार्प पंजेंट फ्लेवर भी आ रहा है। नाइस मीटी टेक्सचर, बट आई नो दैट इट्स लीन मीट। इट्स अमेजिंग। डक पेपर फ्राई, मजा आ गया।